एक रोज़ शोहर ने पुरसकून माहौल में अपनी बीवी से कहा, बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों, बहन भाइयों और उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं उन सब को घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर को अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। बीवी ने गोल मोल अंदाज से कहा, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। शोहर बोला, तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। अगली सुबह शोहर अपने काम पर चला गया और दोपहर 1 बजे घर वापस आया। उसने बीवी से पूछा, क्या तुमने खाना तैयार कर लिया? मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। बीवी ने कहा, नहीं, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो नहीं हैं, लिहाजा जो कुछ घर में मौजूद है वही खा लेंगे। शोहर बोला, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों ना बताया कि खाना तैयार नहीं करोगी? वो लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बीवी ने कहा, उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर तो नहीं, आखिर तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। शोहर नाराज़ होकर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अपने घर वाले, बहन भाई और उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। बीवी के बाप ने पूछा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? वो बोली, कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं। बाप ने बेटी से कहा, तुम्हारे शोहर ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी, ये कैसे मुमकिन है कि वो दावत देकर खुद घर से चला जाए? ये बात सुनकर बीवी पर तो गोया बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में मौजूद खाना उसके अपने घर वालों के लिए किसी तौर लायक तो ना था, अलबत्ता यकीनन उसके शोहर के घर वालों के लायक था। उसने अपने शोहर को फ़ोन किया और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर मेरे घर वालों को दावत दी है? शोहर बोला, मेरे घर वाले हों या तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है? बीवी ने कहा, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज़ लेकर आ जाओ, घर में कुछ नहीं है। शोहर बोला, मैं इस वक्त घर से काफ़ी दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई गैर या अनजान तो नहीं, उनको घर में मौजूद खाना ही खिला दो, जैसा कि तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए, जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो। अपने शोहर और घर के बुज़ुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं।